जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइफ स्टाइल जो है आज का बहुत ही ख़राब हो चुका है, खाने पीने का सब जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, अपने आप को बीमार कर रहे हैं, नासाज कर रहे हैं। जब तक आपकी जांच सही नहीं होगी तब तक इलाज सही नहीं होगा, इसलिए इलाज सही कराने के लिए जांच का सही होना बहुत ज़रूरी। पैथोलॉजी की सारी फैसिलिटीज़ है हमारे पास A to Z, और रेडियोलॉजी हमारा टाइप है फिश हॉस्पिटल के साथ। तो जो अल्ट्रासाउंड एक्सरे बाहर में महंगे में होते हैं तो वो हम मरीज को डिस्काउंट दिला देते हैं, डिस्काउंट दिला देते जी हैं। जी, और ऑपरेशन को लेकर के जो भी क्वालिफाइड सर्जन्स हैं उनसे, जैसे गॉल ब्लैडर वगैरह हो गया, स्टोन हो गया, हर्निया हो गया, तो ये सारे ऑपरेशंस भी हम सारा मैनेज करा देते हैं अपने सुपरविजन में अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के साथ। 101% आपको एकदम बढ़िया चेकअप मिलेगा, सही चेकअप मिलेगा। और अगर हमारा वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको भरपूर यानी भरपूर 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 डिस्काउंट मिलेगा। तो जितना जल्दी हो आप लोग आएँ। और बेतिया वाले जो देख रहे हैं, अगर आपके फैमिली कोई दिल्ली में रहती है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी तारिक सैफुल्ला, और आपका स्वागत है तारिक सैफुल्ला व्लॉग्स में। और आज मैं आपको लाया हूँ बेतिया से काफ़ी दूर, यानी मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली। सबसे ज़रूरी होता है एड्रेस, लोकेशन। तो आज का व्लॉग फूड व्लॉग नहीं है, एक्चुअली फूड खा के, स्ट्रीट फूड खा के बीमार हो गए हैं, तो हेल्थ चेकअप कराने के आया हूँ मैं। ओखला अबू फजल इनक्लेव D98 एड्रेस है, मैं डिस्क्रिप्शन में सब दे दूँगा एड्रेस, यहाँ का लोकेशन दे दूंगा जो सबसे ज़रूरी होता है। तो अगर आप बाटला हाउस के तरफ हैं, शाहीन बाग के तरफ हैं, और कौन सा जगह इधर आसपास, जाकिर नगर है, सीसी वगैरह, हाँ जो एरिया नज़दीक है, वो यहाँ पे आके अगर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उनको भरपूर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप दिल्ली का भी लाइफ स्टाइल देख रहे हैं। और दिल्ली के साथ साथ हमारे बेतिया वाले जो हैं वो भी अब उनका भी लाइफ स्टाइल जो है एकदम फास्ट फूड की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ खा रहे हैं, तेल मसाला खा रहे हैं, जिससे वो अपने तबीयत को नासाज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि एक बार साल में या फिर 6 महीने में अपना हेल्थ चेकअप कराएं। तो यहाँ पे आप लोग आके चेकअप करा सकते हैं। और जो भाई लोग विदेश जाना चाहते हैं बाहर, तो यहाँ पर विदेश जाने के लिए प्री मेडिकल किया जाता है, तो प्री मेडिकल भी आप करा सकते हैं। एड्रेस तो आपको पता है, अबू फजल इनक्लेव D98। अंदर अगर मैं आपको क्या क्या चेक होता हूँ उसके बारे में बताऊँ, तो A to Z जो है यहाँ पे ब्लड का चेक हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, LFT हो जाएगा, KFT हो जाएगा, हेल्थ चेकअप में जो जो आता है ऑफर भी मिलेंगे। और हमारा वीडियो देख के आ रहे हैं तो भरपूर डिस्काउंट मिलेगा। लैब का नाम याद रहेगा BNB डायग्नोस्टिक सेंटर। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, ये आ जाइए अंदर आप। ये हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये अंदर से लैब का इंटीरियर आप देख रहे हैं, और हाइजीन का काफ़ी ख्याल रखा गया है, क्योंकि मैं अगर इसका वॉशरूम भी दिखाऊंगा तो वॉशरूम भी बहुत क्लीन रहता है, और जगह लैब में जाइएगा तो स्मेल करते रहता है, बदबू करते रहता है, हाइजीन का उतने अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है, लेकिन यहाँ हाइजीन का बहुत बहुत ख्याल रखा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो प्री मेडिकल चेकअप भी होता है यहाँ पे, तो आप वो भी करा सकते हैं, जैसे आप दुबई, कतर कहीं भी जाना चाहते हैं। एड्रेस तो भाई आपको पता है, बेतिया वाले अगर ये देख रहे हैं और दिल्ली में अगर कोई आपका है, शाहीन बाग, ओखला, अबू फजल, सीसी, जाकिर नगर, जसोला, इधर का जो एरिया है वहाँ, तो आराम से आप लोग वहाँ के लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अबू फजल इनक्लेव D98 एड्रेस है, गूगल मैप में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। चेकअप के बारे में बताऊँ तो चेकअप यहाँ पे क्या क्या होता है, ये सबसे पुराने स्टाफ है हमारे, जब से लैब खुला है तब से यहाँ पे हैं, लगभग 20 साल हो गया होगा, तो ये आपको 18 साल से 17 साल से यहाँ पे होंगे। लैब जो है सैयद आजम सईद इनके ऑनर हैं, वो भी काफ़ी पुराने हैं, और बिल्कुल मतलब क्या कहें, जब आइएगा तो अपनापन लैब में लगेगा, जैसे और लैब में जाते हैं तो अपनापन नहीं लगता है। और दूसरा बात, सबसे यहाँ का खासियत क्या है इस लैब का, और लैब में जाएगा तो सिर्फ ब्लड चेक होता है, लेकिन यहाँ चेक के साथ साथ डॉक्टर भी यहाँ पे बैठते हैं। कब कब बैठते हैं मैं बता दूंगा, डॉक्टर इश्तियाक अहमद। तो ये लैब की खासियत है कि रिपोर्ट के साथ साथ आपकी बीमारी भी जो है डॉक्टर हाथों हाथ देख लेंगे, बहुत कम फीस में।
और यहाँ पे अगर चेक कराने आते हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, भरपूर डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो देख के आ रहे हैं तो बताइए। ये हमारे साथ अब्दुल अहद भाई हैं जो इस लैब में 18 साल से जुड़े हैं, तो यहाँ के बारे में आप हमको बताइए, इस लैब के बारे में। ये लैब अभी 2006 से चल रही है और हमारे यहाँ सारे टेस्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बाहर ही बताया था, सारे टेस्ट होते हैं। अगर हेल्थ चेकअप हम लोग करवाना चाहते हैं तो हेल्थ चेकअप में क्या क्या आ जाएगा? हेल्थ चेकअप में आपको हो जाएगा CBC, उनका पूरा नाम हो जाएगा कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, आयरन प्रोफाइल, विटामिन डी, विटामिन B12, यूरिन रूटीन, शुगर रैंडम, फास्टिंग जो भी कराना चाहें हो जाएगा उसमें, HbA1c हो जाएगा। तो मैं आपको अहद भाई से मिलाया, अब मैं चल रहा हूँ BNB डायग्नोस्टिक सेंटर जो है यहाँ के ऑनर से मिलाने, सैयद आजम सईद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये डॉक्टर साहब हैं हमारे और हम यहाँ पे आ चुके हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, इनका भी घर बेतिया हुआ और यहाँ पे दिल्ली वालों की खिदमत कर रहे हैं, तकरीबन 10-15-20 साल से कर रहे हैं, 15-20 साल से खिदमत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइफ स्टाइल जो है आज का बहुत ही ख़राब हो चुका है, खाने पीने का सब जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, अपने आप को बीमार कर रहे हैं, नासाज कर रहे हैं, बाहर का तला भुना खा खा कर, और एकदम खा रहे हैं बिंदास होकर के और बेफिक्र हैं। उनकी तबीयत ख़राब होते जा रही है लेकिन अपने को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के सीरियस नहीं है। तो ये हमारे जो डॉक्टर आजम सईद हाशमी हैं, तो यहाँ पे आप आइए BNB डायग्नोस्टिक सेंटर में और अपना चेक कराइए आपके अंदर क्या क्या बीमारियाँ वो फास्ट फूड खाने से बढ़ी है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं, लीवर में क्या क्या प्रॉब्लम है, LFT करा के। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, ये लैब आपने कब ये स्टार्ट किया? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए और हमारे लैब के बारे में आप इतना कुछ लोगों को बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लैब हमारा 2006 में मैंने इसको ओपन किया था, क्योंकि यहाँ की ज़रूरत थी उस वक्त में, यहाँ पे कोई लैब था नहीं, एक लैब ओखला हेड पे था और बाकी एक इधर 8 नंबर की तरफ था, तो हमने सोचा कि ये जगह सही रहेगी। तब से हमने बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ काम करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए, 18 साल के करीब हो गया और अभी तक कोई भी एक शिकायत नहीं आई है। हमारी कोशिश होती है कि जितना बेहतर से बेहतर क्वालिटी कंट्रोल हो, उसको मेंटेन किया जाए। तो हम जो भी टेस्ट यहाँ पे लगाते हैं, हर टेस्ट के साथ हमारा उस डे ऑफ द कंट्रोल लगता है, वो हमारा साइंटिफिक चीज़ है, वो हम लगाते हैं। और जितने भी हमारे पास स्टाफ हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो सब स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, सीखे हुए नहीं हैं। सबसे पहली बात है कि सीखे हुए नहीं हैं, सब पढ़े लिखे हुए हैं जी। तो उनके काम में भी परफेक्शन होता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आ रही है या बहुत लो आ रहा है, क्योंकि हम लोग फ्रॉम द बिगनिंग जब एक पेशेंट लैब के अंदर इन करता है, तो उसके इन करने से लेकर उसके एग्जिट होने तक हमारी नज़र उस मरीज़ के ऊपर होती है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ के बारे में हम जाने, उसकी हिस्ट्री को जाने। जबकि कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो बेचारे नहीं समझ पाते हैं, कि अगर उनसे पूछ लो कि भाई आपको फीवर कब से है, तो नाराज़ हो जाते हैं कि जब आप बता ही देंगे तो आप रिपोर्ट क्या दोगे जी। लेकिन ये गलत है, हमें जानना चाहिए, चूँकि वो पेशेंट तो अपना सैंपल दे के चला गया, अब मैं टेस्ट लगा रहा हूँ, अगर उसके अंदर कोई टेस्ट में रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मजीद हमें उससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा कि हाँ पेशेंट को ऐसा हो रहा था इसलिए ऐसा आ रहा होगा, लेकिन पेशेंट अगर नहीं बताएगा तो बार बार मुझे रीचेक करना पड़ेगा, हरास होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीका है रिपोर्ट के अंदर परफेक्शन लाने का, कि हम मरीज़ से उसकी हिस्ट्री जान लें सैंपलिंग के टाइम में, जब हम सैंपल लेते हैं। एनीवे हमारे पास हर तरह के टेस्ट मौजूद हैं। ये हमारे इसाक मलिक साहब हैं, इन्होंने अपना हेल्थ चेकअप कराया आज हमारे पास। अच्छा। जबकि माशाल्लाह ये काफ़ी सालों से हमारे पास कराते रहते हैं और हमेशा ही हर 6 महीने पे 3 महीने पे अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं। यहाँ पे डॉक्टर इश्तियाक भी बैठते हैं। जी हाँ, वो चीज़ मैंने सुना कि जैसे कि और सब लैब में अगर आप देखिएगा तो सिर्फ ब्लड चेक होता है, रिपोर्ट मिलता है, फिर उनको और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। देखिए हमारे पास जो है डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं, MD हैं वो और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर गौरव बंसल भी हैं यहाँ पे, पैथोलॉजिस्ट हैं, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ माइसेल्फ, मैं ही इसे को रन करता हूँ। आइए, ये डॉक्टर इश्तियाक साहब का चैम्बर है, ये जो अभी था चेंबर जो है ये डॉक्टर साहब का चेंबर है जो आप देख रहे हैं। हफ्ते में 3 दिन आते हैं, मंडे थर्सडे और ये 11:30 से 1 बजे तक जी। फीस सिर्फ 250 रुपये है, सिर्फ 250 जी। देखिए इस महंगाई के ज़माने में ये डॉक्टर साहब कैसे खिदमत कर रहे हैं आप लोगों का। ये हमारा रिसेप्शन है, ये इनका रिसेप्शन है, हमारे हमार साहब हैं, फ्लेबोटोमिस्ट, इज वेरी टैलेंटेड,
अम्मा साहब हैं और यहाँ पे एक पेशेंट आए थे हेल्थ चेकअप कराने के लिए, तो यहाँ के बारे में बताइए कुछ। बहुत अच्छा है भाई साहब, अच्छा है, सस्ता भी है और अच्छा भी है जी, रीजनेबल है। अभी आपने हेल्थ चेकअप कराया है? हाँ जी, हाँ जी, अक्सर आके कराते हैं। यस यस। और हर इंसान को 6 महीने में या साल में एक बार हेल्थ चेकअप तो कराना ही चाहिए। जरूर कराना चाहिए, जरूर। तो ओखला वाले जो भी देख रहे हैं और आसपास एरिया वाले, वेटिंग एरिया है ये, वेटिंग एरिया इस तरफ आप, वेटिंग एरिया है, आ सकते हैं। ब्लड एक्सट्रैक्शन रूम है यहाँ पे, ये हमारा ब्लड एक्सट्रैक्शन रूम है। यहाँ पे मरीज आता है तो हम उसको बिठाते हैं और यहाँ से ब्लड, और यहाँ हम उनकी सैम्पलिंग करते हैं, अलग अलग जो भी टेस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग ट्यूब्स होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ ब्लड। अच्छा डॉक्टर साहब जी, एक मिनट, अगर डॉक्टर साहब गुफ्तगू भी होते रहे, बात भी होते रहे, अगर कुछ पेशेंट जो हैं जो आ नहीं सकते हैं तो जैसे बूढ़े लोग हैं या फिर कोई लेडीज है, होम कलेक्शन है हमारे पास, नंबर कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, जो लोग आना चाह रहे हैं रास्ता नहीं मिल रहा है एक बार कॉल कीजिएगा, जो डॉक्टर साहब है वो खुद किसी को भेज करके आपको यहाँ तक मंगवा, यहाँ तक बुलवा लेंगे और घर पे भी आपका। ये हमारा डे केयर सेंटर है। ये कौन सा सेंटर है? ये डे केयर, ये डे केयर सेंटर है। अगर किसी मरीज को सपोज डिहाइड्रेशन है, पानी चढ़ाना है, ईसीजी करना है, या कुछ फीमेल पेशेंट हैं, हमारा मुस्लिम एरिया है पर्दे के लिहाज से, तो उसके लिए हमने एक अलग से केबिन बनाया हुआ है। यहाँ पे हम आईवी वगैरह चढ़ाते हैं, हमारे पास ईसीजी मशीन भी आपके पास अवेलेबल है जी, फर्स्ट एड की दवाइयाँ भी हमारे पास हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह ये जो है बाहर से अंदर तक 24 आवर्स ये सीसी कैमरा है लगा हुआ है जी, जी। कोई किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी चीज को कोई कहीं किसी का छूट गया तो वो आसानी से आकर के ले जा सकता है। ले जा सकता है, ठीक है। तो एक बार जरूर आए, हेल्थ चेकअप कराएं, B&B लैब डायग्नोस्टिक, जहाँ पे ये मेन लैब है जहाँ पे जांच होता है सैंपल का। हमारे पास बायोटेक जो है, बायो वेस्ट जो होता है उसका मैनेजमेंट है पूरा हमारे, हमें जो है हमें स्लाइड्स कहाँ फेंकने हैं, नीडल्स कहाँ फेंकना है और वेटेड ड्राई जो वेस्ट होते हैं उन्हें कहाँ फेंकना है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं लैब के, ये सारी चीज़ें, ये आप देखिए, और ये हाइजीन का काफ़ी ख्याल रखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप है जो देख रहे हैं, ये सेल काउंटर है, ये ओवन है, माइक्रोवेव है, और ये हमारा सेल मिक्सर मशीन है ब्लड मिक्स करने वाला, इधर बायोकेमिस्ट्री का है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माइक्रोबायोलॉजी का भी पूरा सेटअप है, सारे रिएजेंट्स जो हैं हम, वन द बेस्ट रिएजेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो अरबा का रिएजेंट आता है वो सारा हम यूज़ करते हैं, कोई भी एक चीज़ आपको एक्सपायर नहीं मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, प्लस हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं वो रिपोर्ट देखते हैं वो भी उससे मुतमईन है, और हमारा एक अच्छा रिलेशन है जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएँ चाहिए आप लोगों की। और ये जो है, और यहाँ पे तमाम A to Z ब्लड के हर सारे पैथोलॉजी की सारी फैसिलिटीज़ है हमारे पास A to Z, और रेडियोलॉजी हमारा टाई अप है क्रिस हॉस्पिटल के साथ, तो जो अल्ट्रासाउंड एक्सरे बाहर में महंगे में होते हैं तो वो हम मरीज को डिस्काउंट दिला देते हैं, डिस्काउंट दिला देते जी जी। और ऑपरेशन को लेकर के जो भी क्वालिफाइड सर्जन्स हैं उनसे, जैसे गॉल ब्लैडर वगैरह हो गया, स्टोन हो गया, हर्निया हो गया, तो ये सारे ऑपरेशन भी हम सारा मैनेज करा देते हैं अपने सुपरविज़न में अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के साथ। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बार्गेनिंग नहीं है कि 1200 बता करके मैं 800 ले लूँ, 800 बता के मैं 200 ले लूँ, हमारे पास एक फिक्स प्राइस है और क्वालिटी वाइज हमारी रिपोर्ट अच्छी है, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ जानता हूँ कि जब तक आपकी जांच सही नहीं होगी तब तक इलाज सही नहीं होगा, इसलिए इलाज सही कराने के लिए जाँच का सही होना बहुत ज़रूरी है। बेशक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो मैंने आपको यहाँ के ऑनर जो थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद आजम सईद हाशमी, इनसे हमने आपकी गुफ्तगू कराई, और आज के दौर में भाई 250 यानी 250 रुपये में कौन डॉक्टर देखता है, लेकिन आप लोगों को देखते हुए इन्होंने इतनी सस्ती डॉक्टर की फ़ीस रखी है, और चेकअप भी आपको 101% आपको एकदम बढ़िया चेकअप मिलेगा, सही चेकअप मिलेगा। और अगर हमारा वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको भरपूर यानी भरपूर डिस्काउंट मिलेगा, तो जितना जल्दी हो आप लोग आएँ। और बेतिया वाले जो देख रहे हैं, अगर आपकी फैमिली कोई दिल्ली में रहती है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और जो जहाँ से देख रहे हैं दिल्ली अगर आ रहे हैं तो यहाँ आएँ। और जैसे मैं फूड व्लॉग का व्लॉग बनाता हूँ ना, फूड खाने जाओ, होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, तो यहाँ पे भी जरूर आओ और हेल्थ चेकअप कराओ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, जैसे हमारे शहर बेतिया वालों ने मुझे मोहब्बत प्यार दिया, वैसे दिल्ली वाले, अबू फजल वाले, ओखला वाले, आप भी प्यार दो, मोहब्बत दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ, भरपूर डिस्काउंट और सही चेकअप और अच्छे तरीक़े से यहाँ दिखाओ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।